हाँ तो देखिए बच्चों, जैसा कि पिछला लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, और फिर हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन भी किया था, और मैंने बोला था कि कुछ और भी क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं, इसके बाद अगला सब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को बनाने का। जब आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए तभी आप उसका सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, ये काम आपको करना है, पूरे ईमानदारी के साथ आप पढ़िए, क्योंकि मैं तो वहां देखने नहीं जा रहा हूँ आप कर क्या रहे हो। आप ये सोचिए कि सर क्लासरूम में हम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे सोचना आप लोग। तो एकदम ईमानदारी के साथ काम कीजिए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, क्योंकि इसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। पढ़ाई ही है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ कॉस फाई इज। दिए गए फिगर में हमें कॉस फाई की वैल्यू बतानी है। किसकी? कॉस फाई। देखिए ये एंगल फाई है, तो हमें कॉस फाई की वैल्यू बतानी है। कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी? तो आप इसे खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए। बच्चों अगर cos phi की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है cos थीटा होता है b upon h। सबको पता है cos थीटा कितना होता है? b upon h। देखिए तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम, DEC ट्रायंगल की, तो DEC ट्रायंगल में किस एंगल की बात कर रहे हैं? इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। अगर इस वाले एंगल की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया किसी भी राइट ट्रायंगल में जिस एंगल का बात करेगा उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और बाकी बचा बेस। तो बताइए जब इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो बच्चों हमें कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी? कॉस फाई की। तो आइए सोचते हैं कैसे निकालें। एक बात बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल में डायरेक्टली कॉस फाई का फॉर्मूला लगा करके और इसको निकालने का प्रयास करूं तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। तो जब आपने इस वाले एंगल को लिया तो कॉस फाई इक्वल टू बेस कौन होगा? ईसी, और हाइपोटेनस कौन होगा? डीसी, ईसी अपॉन डीसी। अब देखिए ना तो आपको ईसी पता है और ना ही आपको डीसी पता है, तो आप कैसे निकालोगे? आप अगर कॉस फाई का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हो इस ट्रायंगल में तो क्या आप निकाल पाओगे कॉस फाई की वैल्यू? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करें? देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि cos थीटा b upon h होता है तो सीधे क्वेश्चन देखे और प्रूफ पड़े b upon h पे, ऐसा भी नहीं करना है। पहले आप क्वेश्चन को सही से देखिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और फिर सोचिए क्या पूछ रहा है और हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ, आप बताइए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये वाला साइड 3 यूनिट है, ये वाली साइड 4 यूनिट है, और ये वाली साइड 5 यूनिट है। बस इस ट्रायंगल का तीनों साइड पता है और इस ट्रायंगल का कोई साइड ही नहीं दिया हुआ है, और इसी में हमें cos phi की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम चले cos phi का फॉर्मूला लगाएं तो हम cos phi का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जब यहाँ पे ऐसे काम नहीं बनेगा तो हम जरा दूसरा तरीका सोचते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है, ये वाला एंगल phi है, ये 90 डिग्री और ये थीटा है, तो बताइए इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे फाइव प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं लगाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही होगा कि फाइव प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो बच्चों सही है? अच्छा ठीक है। अब इस 90 को मैं उधर भेज रहा हूं, तो जब मैं 90 को उधर भेजूंगा तो बताओ क्या बनेगा? फाइव प्लस थीटा इक्वल टू 180 माइनस 90 एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप बताइए 5 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री। देखो बच्चों हमें cos phi निकालना है, मैं यहां से phi का वैल्यू निकालता हूं, बताओ phi इक्वल टू क्या होगा? phi इक्वल टू होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो phi इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा। अब आप बताइए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? cos phi की। तो चलिए अब लिखते हैं cos phi। तो आपको पता है कि जब आप cos phi, cos theta equal to b upon h फॉर्मूला लगाओगे इसमें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब कोई बेनिफिट नहीं होगा
हमें तो cos phi की वैल्यू निकालनी है किसी भी तरह, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैंने एक रिलेशन निकाल रखा है, phi equal to 90 minus theta, इससे कुछ काम बन सकता है। तो जरा मैं phi को यहां रखता, ठीक है। तो जब मैं phi की वैल्यू यहां पे रखूंगा, phi की वैल्यू को, तो ये क्या बनेगा, this is equal to cos 90 minus theta, क्या बनेगा, cos 90 minus theta। और सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है cos 90 minus theta कितना होता है, sin theta, so this is equal to sin theta। तो बच्चों देखो यहां से क्या निकल के आया कि cos phi जो है वो किसके बराबर है, sin theta के बराबर है। मतलब अगर हमें cos phi की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम sin theta की वैल्यू निकाल लें तो sin theta और cos phi इक्वल है। तो चलिए बताइए sin theta कितना हो, ये तो आप लोगों के लिए सिंपल है यार। sin theta इस वाले ट्रायंगल ABC ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। तो अगर हम इस ABC ट्रायंगल की बात करें, तो इस ABC ट्रायंगल पे sin theta बताइए कितना होगा, sin theta equal to होता है perpendicular upon hypotenuse। तो ये theta है, तो ये होगा perpendicular और ये होगा hypotenuse। तो बताइए perpendicular कितना है, 4, और hypotenuse कितना है, 5। इसलिए sin theta equal to आएगा 4 upon 5, आएगा ना। अब sin theta की value 4 upon 5 निकल गए, तो बताइए cos phi और sin theta दोनों क्या है, equal है। therefore cos phi equal to what, 4 upon 5, so this is your answer। तो your option is D, D is your correct option। आ रहा समझ में? तो किस तरह से मैंने इस question को solve किया, आपको समझ में आया? आप इसे note करिए, फिर मैं कुछ और question देता हूँ। देखिए ये question है, question दिया हुआ कि if sin theta equal to cos theta minus 45 degree, where theta minus 45 are acute angle, then theta equal to what? देखिए इस question में हमें theta की value निकालनी, क्या करें, कैसे सोचेंगे क्वेश्चन पे, आइए समझते हैं। आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, जो बच्चे नहीं बना सकते हैं, वो एक क्वेश्चन समझ लेंगे, इसके बाद मैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाना, ठीक है। हालांकि आप अभी भी कोशिश कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोशिश करना अच्छी बात है, आपको पता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप कोशिश करोगे, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पे सोच भी सकते हैं, कुछ देर बना भी, बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं, जब आपसे ना बने तब आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखिए क्वेश्चन है, इफ sin theta equal to cos theta minus 45 degree, तो हमें theta की वैल्यू निकालनी, क्या किया जाए। तो बच्चों देखिए sin theta equal to cos theta minus 45 दिया हुआ है, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, कि जैसे देखिए इसमें दो साइड है, है ना, LHS RHS दो साइड है, तो देखिए या तो आप sin थीटा को cos में बदल दीजिए, या तो आप cos थीटा को sin में बदल दीजिए, दोनों तरफ सेम कर दीजिए, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दीजिए, समझे, जैसे इधर sin थीटा है ना, इधर भी sin थीटा बना दीजिए, आपकी मन, आपका मन, अगर आप चाहो तो इधर cos थीटा है तो इधर भी cos थीटा बना सकते हो, आपके मन पे वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चलिए वही काम मैं करता हूं, मैं sin थीटा को cos में चेंज कर देता हूं। तो sin थीटा को cos में कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है कि cos 90 minus theta कितना होता है, sin theta। तो बताइए सारे बच्चे राजी हैं, मैं क्या इसको लिख सकता हूं, cos 90 minus theta, because we know that cos 90 minus theta equal to sin theta, so we can write sin theta equal to cos 90 minus theta, okay। अब देखिए and this is equal to cos theta minus 45 degree। अब देखिए बच्चों, अब यहां पे क्या हुआ, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, इधर भी cos और इधर भी cos। अच्छा मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, जैसे मान लीजिए अगर कहीं दिया हुआ है कि cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2, तो ये कब पॉसिबल होता है, बताया ना मैंने डिटेल में पीछे, एकदम अच्छे से समझाया आप लोगों को, ठीक है ना। तो cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2 ये तभी पॉसिबल है, यहां पे थीटा 2 cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2 ये तभी पॉसिबल है जब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या हो जाए बच्चों, इक्वल हो जाए, ये तभी पॉसिबल होगा, जब दोनों एंगल बराबर हो जाए तभी इनकी cos वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी। आ रहा समझ में? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है cos 90 minus थीटा, तो बताइए थीटा 1 की जगह क्या है, 90 minus थीटा, है ना, और थीटा 2 की जगह क्या है, थीटा minus 45 डिग्री। तो आपको पता है कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल कब होंगे, जब
ये थीटा वन और ये थीटा टू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 45। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, तब जाकर के इनकी कॉस वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। अब चलिए इस थीटा को मैं इधर बनाता हूं, तो ये वाला आपका माइनस थीटा है और इधर थीटा आएगा, प्लस में जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस टू थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये 90 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये आपका माइनस 45 और ये 90 जाएगा तो ये और बनेगा माइनस 90, तो माइनस 45 और माइनस 90 कितना, माइनस 135। यहां से आया माइनस 2 थीटा इक्वल टू माइनस 135 डिग्री, सब डिग्री में होगा, ठीक है ना, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 135/2 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा थीटा हुआ, ठीक है ना, 135/2 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू होगी। तो आप लोगों को समझ में आया कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे इस क्वेश्चन को हमने किया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन आप सब लोग कोशिश कीजिएगा, सब लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, आप लोग बना भी लोगे, इतना मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री देन a इक्वल टू व्हाट, तरह अगर sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री है तो a की वैल्यू बतानी, सेम कॉन्सेप्ट, इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसे बनाइए, आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, मैं जानता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए सारे बच्चे देखेंगे इधर क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने, कि जब भी दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में इक्वल हो जाते हैं, दो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, किसी एक को चेंज कर देते हैं, जैसे ये कॉसेक है और ये सेक है, तो आपकी इच्छा, आप चाहो तो इसे कॉसेक में चेंज कर दो और आप चाहो तो इसे सेक में चेंज कर दो, मतलब दोनों तरफ सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए वही काम करते हैं, ये सेक थोड़े है तो बताइए, सेक थीटा को अगर कॉसेक थीटा में बदलना है, तो आपको पता है cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, बताया मैंने आपको फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। तो sec 4a को मैं क्या लिखूंगा, sec 4a को लिखूंगा cosec 90 माइनस 4a, बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम है, मैंने लिखा तो sec 4a को मैं cosec 90 माइनस 4a तो लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो इसलिए मैंने इसको इतना लिख दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको cosec में चेंज कर दिया, तो इधर वाले पार्टी को cosec में ही रहने दीजिए, सो दिस इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ की पार्टी सेम हो गई, तो है ना, आपको पता है कि cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 है, तो ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या हो जाए, a माइनस 20 हो जाए, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यानी ये तभी पॉसिबल है जब 90 माइनस 4a किसके बराबर हो जाए, a माइनस 20 के इक्वल हो जाए, ओके। अब देखिए इधर ये माइनस 4a, इसको इस a को मैं इधर ला रहा हूं, तो माइनस 4a माइनस a कितना, माइनस 5 है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 20 और ये प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 बनेगा, सॉरी ये प्लस 90 है उधर जाएगा तो माइनस 90 बनेगा, तो माइनस 20 माइनस 90, ठीक है ना। अब देखिए यहां से आया माइनस 5a इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90 कितना होगा, माइनस 110 डिग्री, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 110/5, ठीक है ना, यानी कितना, 22 डिग्री, सो द वैल्यू ऑफ a इज 22 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्लियर। चलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं और इसके बाद इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन होगा वो समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप इसे नोट करिए। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट फर्स्ट tan a plus c upon 2 equal to cot b upon 2 and second sin b plus c upon 2 equal to cos a upon 2, ठीक है। आप इसे वीडियो को पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, इसके बाद मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ आपको कि ए बी और सी जो है ना, ये ट्रायंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल है, क्या है, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, तो आपको पता है
जैसे ये मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी, तो आपको पता है किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि अगर एबीसी इंटीरियर एंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि टेन ए प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉट बी अपॉन टू होगा, इस बात को प्रूफ करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या करता हूं मैं, चूंकि मुझे a प्लस सी अपॉन टू निकालना है तो सबसे पहले मैं b को उधर भेजता हूं, तो बताइए क्या होगा, a प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस b होगा, बोलिए a प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस b। अब फिर मैं इसमें दोनों तरफ दो से डिवाइड करता हूं, तो इससे क्या होगा कि हमें मिलेगा a प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 माइनस b अपॉन टू। अब बताइए 180 माइनस b अपॉन टू है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 अपॉन टू कितना 90 माइनस b अपॉन टू। अब क्या कीजिए, इसमें दोनों तरफ tan ले लीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए tan a प्लस सी अपॉन टू, तो जब मैं दोनों तरफ tan लूंगा तो क्या बनेगा tan a प्लस सी अपॉन टू, क्या बनेगा बच्चों tan a प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू tan 90 माइनस इक्वल टू टेन 90 माइनस बी अपॉन टू, आ रहा समझिए। और सबको पता है कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और बताइए यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है बी अपॉन टू, तो बच्चों यहां से आ जाएगा टेन ए प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉट बी अपॉन टू, हेंस प्रूफ। देखा आपने यहां से कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने इजी वे में मैंने इसको प्रूफ कर दिया, tan a plus c upon 2 equal to cot b upon 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन, सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर पे कह रहा है कि b प्रूफ करना है कि sin b plus c upon 2 equal to cos a upon 2, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। सबसे पहले हम b plus c upon 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो पता है आपको कि a plus, सेकंड नंबर, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री होता है, पता है ना, क्योंकि हमें b प्लस सी निकालना है तो a को उधर भेजना होगा, तो बताइए b प्लस सी कितना होगा, b प्लस सी इक्वल टू होगा 180 माइनस a। अगर b प्लस सी अपॉन टू निकालना है दोनों तरफ दो से डिवाइड कीजिए तो क्या बनेगा b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 अपॉन टू कितना 90, तो ये बनेगा 90 माइनस a अपॉन टू, चूंकि साइन बी प्लस सी अपॉन टू प्रूफ करना है तो दोनों तरफ क्या लेंगे साइन, तो क्या होगा साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन टू। और बताओ बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का जगह क्या है ए अपॉन टू, तो इसलिए प्रूफ हो गया कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू जो होता है दिस इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू, हेंस प्रूफ। समझ में आया आप लोग को, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये सब, तो आप इसे नोट कीजिए, हम लोग अपना नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नोट कीजिए इसे। अब देखिए बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्लास 10th लेवल में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है ना। तो जितना बेसिक लेवल से उठाऊंगा और जितना अच्छा से अच्छा लेवल का सवाल हो सकेगा मैं कराऊंगा आप लोगों को, तो बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा इसे, ठीक है। इसमें मैं कोई मतलब जितना क्वेश्चन बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जितने अच्छे से अच्छे लेवल के सवाल बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है कि सर इसमें भी बेसिक पढ़ा के निकाल देंगे, बाकी सब तो था वो तो उतना ही जानना था आपको 10th में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बहुत अच्छा अच्छा सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, और इसमें बच्चों को परेशानी भी होती है तो एक एक कॉन्सेप्ट को बच्चे समझेंगे तब उनको आइडेंटिटी के क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सब टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखिए सबसे पहला बात यह है कि बच्चे तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं लेकिन बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता होता है आइडेंटिटी क्या होता है। देखिए एक बात बता दूं, ये आइडेंटिटी जो है इसके बारे में जब मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा
हालांकि आपके टेंथ में नहीं है उतना जानना, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जब मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो आइडेंटिटी के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना, एकदम अच्छे से आपको डिटेल में आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि आइडेंटिटी क्या होता है, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए तीन तरह की चीजें होती है, एक होता है एक्सप्रेशन, दूसरा होता है इक्वेशन और तीसरा होता है आइडेंटिटी। इन तीनों टर्म का बात मैं करूंगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब। तो एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? कि इक्वेशन उसे बोलते हैं जो किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो बच्चों आप बोलोगे कि सर ये एक इक्वेशन है। मैं पूछूंगा क्यों इक्वेशन है, तो आप बोलोगे सर इक्वेशन उसे कहते हैं जो एक्स के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके कितने रूट होंगे तो आप बोलोगे इसके दो रूट होंगे सर, एक होगा टू और एक होगा माइनस टू। मतलब ये जो दिया हुआ है टर्म ये एक्स के सिर्फ दो ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, एक एक्स इक्वल टू टू और दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस टू। सेटिस्फाइड कहने का मतलब क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिसे हम इसमें रखें और इसको क्या कर दे जीरो बना दे। तो एक बात बताइए, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0 आ गया। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू माइनस 2 रखता हूं तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 ही होगा, तो 4 माइनस 4 0 हो गया। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि इसमें x की वैल्यू 3 रखिए, तो अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 माइनस 4 कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब देखिए यहाँ पे x की दो ही ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये सेटिस्फाइड होगा, आ रहा समझ में? तो देखिए इक्वेशन वही होता है जो x के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन। लेकिन आइडेंटिटी क्या होता है, तो बच्चों आइडेंटिटी के लिए मैं बता दूं जो सारे रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। जैसे यहां पे दो ही रियल वैल्यू है, एक x इक्वल टू टू और दूसरा x इक्वल टू माइनस टू का, बट इन आइडेंटिटी इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, वो x के सारे रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हुआ। मतलब जो सारे रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। देखिए मैं जब आइडेंटिटी प्रूफ कर दूंगा, जैसे तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है वहां पे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ, सारा रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड इसका मतलब क्या है, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आया इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन उसे बोलते हैं जो पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो, और आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, आइडेंटिटी उसे बोलते हैं जो ऑल रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो। जैसे मान लीजिए हम इसे तो आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी होता तो ये x के सारे रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता, लेकिन यहाँ पे दो ही रियल वैल्यू है 2 और माइनस 2, आरस में ना ये सिर्फ 2 और माइनस 2 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, बाकी और किसी के लिए तो सेटिस्फाइड हो नहीं रहा। तो जो सारे रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा वही आइडेंटिटी होगा, लेकिन ये पार्टिकुलर रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए मैं आइडेंटिटी के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, और आइडेंटिटी पे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, वहां पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अभी इतना ही जानिए, आपको आगे पता चल जाएगा धीरे धीरे जब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तीन तरह के होते हैं उनको मैं प्रूफ करा दूंगा, तो वहां पे और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम ये समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना, आइए समझते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे आया, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए सब लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते होंगे, ये एक राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबको पता है ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यही ना होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब मान लीजिए किसी ने बोला कि मैं पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे ना लिख करके मैं क्या करूंगा कि इसमें दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, मेरा मैं इसमें दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, मैंने बोला कर दो क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मान लीजिए इसे ऐसे ना लिख करके मैं ऐसे लिखूं पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना, 1,
अगर मान लीजिए मैं इसे ऐसे लिखू तो इसमें कोई गलती है क्या? नहीं, ये तो कोई गलती नहीं है। मैं ऐसे लिखू या ऐसे लिखू, बात क्या है? बराबर। अब देखिए p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं p अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं b अपॉन h का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। आ रहा समझ में? p अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बताइए, सबको पता है कि p अपॉन h कितना होता है? sin थीटा। किसी राइट ट्रायंगल में p अपॉन h कितना होता है? sin थीटा। तो मैं p अपॉन h की जगह लिख सकता हूं sin थीटा। तो ये बना sin थीटा का स्क्वायर प्लस, सबको पता है b अपॉन h क्या होता है? cos थीटा। तो sin थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक बात सीखिए जरा, जैसे मान लीजिए ये लिखा है sin थीटा का स्क्वायर, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है sin थीटा इसका पावर n, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू sin का पावर n थीटा, ठीक है ना? ये सही होगा लिखना। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है sin थीटा का पावर n और कोई बच्चा ऐसे लिख दिया sin थीटा और इसका पावर n, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे नहीं लिखा जाता है, बात समझ में आ रहा है? ऐसे कभी नहीं लिखते हम लोग, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर या तो ऐसे या फिर ऐसे लिखेंगे। तो साइन थीटा के पावर एन को हम साइन का पावर एन थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखना क्या होगा? गलत होगा, ऐसे नहीं लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? तो बताइए बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हुआ एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब बच्चा मेरे से पूछेगा कि सर ये आइडेंटिटी कैसे हुआ, बताइए। तो देखिए ये आइडेंटिटी कैसे हुआ, अब आप इसे समझिएगा अच्छे से। मैंने क्या बोला, जो सारी रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? आइडेंटिटी। देखिए मैं यहां पे थीटा का कोई भी वैल्यू रख दूं, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे? 1। साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री क्या होगा? 1। साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री क्या होगा? 1। साइन स्क्वायर 1/2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1/2 डिग्री क्या होगा? 1। साइन स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1000 डिग्री कितना होगा? 1। साइन स्क्वायर -5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर -5 डिग्री क्या होगा? 1। साइन स्क्वायर -1000 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर -1000 डिग्री क्या होगा? 1। मतलब आप थीटा का कोई भी रियल वैल्यू ले लो, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो इट इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसलिए ये क्या है? ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आपको समझ में आया? जैसे मैंने बोला ना कि आइडेंटिटी उसी को बोलेंगे जो ऑल रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो आप बताइए ये थीटा के ऑल रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको आइडेंटिटी क्या होता है? मैं इसको लिख दे रहा हूं, इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा। इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा, सो इट इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसलिए बच्चों ये क्या है? ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आपको समझ में आया? ठीक। अब देखिए पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मान लीजिए किसी को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो अगर किसी को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो लिख सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में? हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह से मान लीजिए किसी को जरूरत पड़ा कॉस स्क्वायर थीटा की, तो वो क्या बोलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं ये तो ऑटोमेटिकली आप निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल लीजिए। और इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है यार, कितना सिंपल प्रूफ है। कहां से आया आइडेंटिटी?
पाइथागोरस थ्योरम से आया, किसी ने लिखा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, तो उसने कहा कि नहीं मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दोनों तरफ उसने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो जब एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बना पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू, और पी अपॉन एच कितना होता है साइन थीटा, और बी अपॉन एच कितना होता है कॉस थीटा, तो यहां से निकल के आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो सिंपल, आ रहा समझ में? तो ये पहला आइडेंटिटी है, आप इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी क्या है और वो कैसे आया वो भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, सबको पता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी ने बोला कि मैं सर मैं बी स्क्वायर को उधर भेजूंगा, ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, नहीं लिख सकता हूं क्या? अब क्या करूं, अब इसमें दोनों तरफ p स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, कितना से p स्क्वायर से, तो जब मैं p स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर कितना बच्चों 1। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूं h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p square and this is equal to 1, h square upon p square को मैं लिखूंगा h upon p का whole square minus इसको लिखूंगा b upon p का whole square, बोलिए इसमें किसी को परेशानी है, ये बना h upon p का whole square minus b upon p का whole square। अब देखिए, अब बच्चों बताइए h upon p क्या होता है, सबको पता है h upon p क्या होता है, h upon p sin theta होता है p upon h, तो h upon p sin का उल्टा cos a, तो ये बनेगा cos a थीटा का स्क्वायर, इधर लिख रहा हूं, ये क्या बनेगा cos a थीटा का स्क्वायर माइनस, बताइए tan थीटा क्या होता है p upon p, तो tan का उल्टा क्या होता है cot b upon p, तो ये बनेगा b upon p यानी cot थीटा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। देखिए यहां से क्या मिला, यहां से मिला कि cos a थीटा का स्क्वायर माइनस cot थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। और अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पावर में अगर कोई चीज है तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको, जैसे कॉसेक थीटा का पावर एन है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कॉसेक का पावर एन थीटा, ना कि ऐसे लिखूंगा कॉसेक थीटा का पावर एन, ये लिखना गलत होगा, ये लिखना गलत होगा, ये सही होगा, आ रहा समझ में? तो बताइए कॉसेक थीटा का स्क्वायर है तो कॉसेक थीटा के स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कौन सा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा ये आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि ये भी थीटा के सारे रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा cosec square theta minus cot square theta equal to 1, so it is also a trigonometric identity। आ रहा समझ में? तो वही चीज लिखोगे, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूं कि it is satisfied for all real value of theta, so it is also a trigonometric identity। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं ऐसे सोचूं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है a square minus b square, बताइए a square minus b square क्या होता है, सबको पता है a square minus b square होता है a plus b into a minus b, होता है ना? तो अगर cosec square theta minus cot square theta की हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta, बोलिए इसको मैंने क्या किया, a square minus b square में फॉर्मूले पे तोड़ दिया, a की वैल्यू कितनी है cosec theta और b की वैल्यू है cot theta, तो a plus b यानी cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta and this is equal to 1। अब इस फॉर्मूले का जरूरत भी पड़ेगा जब मैं आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कराऊंगा, उससे मैं आपको याद दिलाऊंगा कि याद करो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। अब देखिए मान लीजिए cosec theta plus cot theta दे दिया या फिर cosec theta minus cot theta दे दिया और आपको वैल्यू निकालना है cosec theta plus cot theta की, तो आप क्या बोलोगे कि cosec theta plus cot theta equal to कितना होगा, this is equal to 1 upon cosec theta minus cot theta। आ रहा समझ में?
cosec थीटा plus cot थीटा equal to कितना होगा 1 upon cosec थीटा minus cot थीटा। और उसी तरह से बच्चों अगर मान लीजिए किसी को cosec थीटा minus cot थीटा के वैल्यू निकालने तो क्या करेगा 1 upon cosec थीटा plus cot थीटा निकाल सकते हो। तो चलो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये लिखना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। अगर ये याद है तो क्वेश्चन के अनुसार आप अपने फॉर्मूले को सेट कर सकते हो। आ रहा समझ में? अच्छा एक और बात, जब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो बताइए cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में? cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से मैं cot स्क्वायर थीटा भी निकाल सकता हूं, cot स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए और 1 को इधर लाइए तो बताइए क्या बनेगा? cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं जितना भी फॉर्मूला अभी लिखा मैंने वो सारा फॉर्मूला यहीं से डिराइव हो रहा है। आ रहा समझ में? और इस फॉर्मूले को लिखना भी कोई बड़ा बात नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम से सवाल है। आ रहा समझ में ना? तो इस तरह से आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो। समझ में आ रहा आप लोगों? तो ये भी नोट कीजिए आप लोग, अगला और लास्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। अब देखिए आखिरी फॉर्मूला मैं कराने जा रहा हूं आप लोग को, इसके बाद हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। इन सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है ना? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लिखने वाले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। आ रहा समझ में? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जब मैं बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया वन टाइम्स में। अब देखिए यहां से इसको मैं टुकड़ों में बांट सकता हूं तो ये बनेगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू वन। बताइए एच अपॉन बी, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी अपॉन बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू वन। बोलिए बच्चों, इसमें किसी को परेशानी है? अब सबको पता है कि h अपॉन b क्या होता है। देखिए cos थीटा होता है b अपॉन h, तो h अपॉन b क्या होगा, sec थीटा, cos का उल्टा sec। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज sec थीटा का स्क्वायर माइनस p अपॉन b क्या होता है tan थीटा। तो sec थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 1। अब बताइए sec थीटा का स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारा तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है ना? और यही हमारा लास्ट आइडेंटिटी है। इट इज आल्सो अ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बिकॉज इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा। sec square theta minus tan square theta equal to 1, it is satisfied for all real value of theta, so it is also a trigonometric identity. तो तीन ही तरह के trigonometric identity होते हैं। आ रहा समझ में? पहला sin square theta plus cos square theta, दूसरा cosec square theta minus cot square theta और तीसरा sec square theta minus tan square theta equal to 1। आ रहा समझ में? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है तो सबको पता है, पता है ना जी, ये सब तो पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पता है ना? बताइए ए की जगह क्या है, सेक थीटा, और बी की जगह क्या है, टेन थीटा। तो मैं इसको टुकड़ों में बांट सकता हूँ, इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। बताइए sec थीटा प्लस टेन थीटा इनटू sec थीटा माइनस टेन थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब बच्चों अगर मुझे यहां पे फिर वही कांसेप्ट पीछे वाला, अगर मान लीजिए sec थीटा माइनस टेन थीटा दे दे और हमें क्या निकालना हो, sec थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो यहां से आएगा sec थीटा
प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इन सारे फॉर्मूलेज का यूज पड़ेगा जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और एक बात, मैं इसमें आप लोगों को कुछ रटा नहीं रहा हूं, सारा मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं कि कहां से निकल के आया है ये। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आइडेंटिटीज के फॉर्मूले को। आ रहा समझ में? तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगर मान लीजिए उसी तरह से आपको sec थीटा माइनस tan थीटा निकालना, तो आप क्या करोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा उधर भेजोगे, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। एक और फॉर्मूला यहां से डिराइव कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं बच्चों, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और उसी तरह से tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने फिर देखा मैंने जितना भी फॉर्मूला यहां पे लिखा वो सारा फॉर्मूला इसी से आया। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हो तो इसको याद करना कोई बड़ी बात है क्या? अगर ये आपको याद है तो ये तो ऑटोमेटिकली लिख लोगे आप अपने क्वेश्चन के अनुसार, इतना तो आपका दिमाग काम करेगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर नहीं भी करेगा तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे आप लोग सीख जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। समझ में आया? तो इतने ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फॉर्मूले हैं और इतने ही फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट अभी बताया आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले लेक्चर में इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जितना लेक्चर बने क्वेश्चन पे मैं पूरा आप लोगों को एकदम डिटेल में डेप्थ में जाकर क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और जितना अच्छे से अच्छे लेवल का सवाल हो सकेगा हम पूरा सवाल करेंगे। आपको जो बुक मन वो बना सकते हैं, आपको एनसीईआरटी तो आपको बनाना ही है, आप आरडी शर्मा भी बना सकते हैं। आरडी शर्मा में आइडेंटिटी पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा जिस बच्चे को आइडेंटिटी का प्रैक्टिस करना है वो आरडी शर्मा बनाए, क्योंकि आरडी शर्मा में बहुत अच्छे लेवल का सवाल दिया हुआ है आइडेंटिटी पे। समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। और एक बात, आप लोग पूरे फॉर्मूलेज को, सिर्फ मैं आइडेंटिटी की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है उसमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं सारे फॉर्मूलेज को ए टू जेड फॉर्मूलेज को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, फिर आप आइडेंटिटी के क्लास में बैठिएगा। ठीक है ना, बिकॉज जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आप आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसके बाद बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैं आइडेंटिटी का क्वेश्चन करना आप लोग को सिखा दूंगा। ठीक है, आप खुद से करने लगोगे, बस आपको घर पे प्रैक्टिस थोड़ा करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।